गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सवेरे ऑफिस आ चुका हूँ और ऑलरेडी एक ट्रेड में ले चुका हूँ। प्रॉफिट हुआ था सवेरे कॉल में, मार्केट ओपन हुआ था। ये हमारा ऑफिस है, एंट्रेंस है, मैडम है हमारे, हाय बोल दीजिए। तो ऑलरेडी एक प्रॉफिट हुआ था, मैंने जैसे बताया। फिर पुट लिया, ये हमारा ब्रोकिंग रूम है जिसमें ब्रोकिंग करते हैं लोग। पुट लिया था जिसमें बहुत अच्छा कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। फिर पुट में मैंने थोड़ा लेट हो गया। ये हमारा बैनर है जो अवार्ड सेरेमनी में हमने लगाया था, तो ये अंदर ही रह गया है। ये हमारा क्लासरूम है सर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सवेरे क्लास खत्म हो चुका है। अभी क्या कर रहे हैं, वन लॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारा सेमी एल्गो ट्रेडिंग है। तो मैं एल्गो ट्रेडिंग को बंद करता हूँ। तो कल हमने पार्टिसिपेट किया था ये मार्केट में, ये पॉजिटिव डिडक्शन में जाएगा। यहाँ पर ये सोचा था कि ये गैप अप ओपनिंग होगा, तो मैं ऑलरेडी दो कॉल ले चुका था यहाँ पे, तो जंप हुआ तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आया। लेकिन बाद में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, पुट में मुझे लॉस हो गया। एक पुट लिया था यहाँ पे, स्टॉप लॉस हो गया इस जगह पे, रजिस्टर जोन पे मैंने लिया था, लिया हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स आप अगर देखोगे तो टाटा मोटर्स भी यहाँ पे जब डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद ये रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक लॉट बाय किया और वहाँ से मार्केट रिटर्न जा रहा है और अभी यही सप्लाई जोन में है। अगर क्लियर के साथ देखोगे तो यहाँ पे फिर से, मुझे लग रहा है आपको कैमरा को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ ठीक सही से। ये रहा मेरा आज का पोजीशन। सवेरे जो कॉल में प्रॉफिट हुआ था 1500 रुपये, यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद का पुट लिया था, बड़ा पोजीशन छोटा था तो 2000 रुपये लॉस, यहाँ पे 750 का लॉस। अभी टाटा मोटर्स में मैंने जो पुट लिया, कॉल लिया हुआ है, टाटा मोटर्स भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा सेल इंडिकेशन दे चुका है। तो मार्केट थोड़ा साइडवेज है, इसलिए कुछ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। और इसका स्टॉप लॉस मैंने लगा हुआ है 2 रुपये में, अगर और नीचे गिरता है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद जो थोड़ा ट्रेड देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही तापस है मेरे साथ, सेटअप यहाँ पे अच्छा है लेकिन बहुत धूप है, तो यहाँ पे तो नहीं बैठ सकते, अंदर चले जाएंगे। बैठे हुए हैं होटल में ट्रेन लेने के लिए, सब कुछ भी है मेरे साथ। अभी भी पोजीशन बहुत ही बुरा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जब से हमने ट्रेड लिया हुआ है, लगभग यहाँ से ट्रेड लिया था हमने, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और तब से ये ब्रेकआउट सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अभी लग तो रहा है प्राइस यहाँ से बढ़ेगा। हमने सोचा था कि 1458 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन उसको तोड़ के गया। स्टिल हम कॉल में बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ से। ये हाई अगर तोड़ देगा तो प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। 468 या 461 अगर तोड़ता है तो पॉजिटिव आ सकता है। हम थोड़ा निफ्टी को देख लेंगे। निफ्टी तो पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है 5 मिनट में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं। खाना लग गया है, खाना तो शुरू हो गया है, लेकिन इधर ट्रेड में कुछ चेंजेस नहीं है, साइडवेज चल रहा है मार्केट। लग तो रहा है यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन जब तक 461 नहीं क्रॉस करता तब तक तो नहीं लगता। आप अगर देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है टाटा मोटर्स का, लेकिन 61 क्रॉस नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ब्रेकआउट हो गया, इस रेंज को भी तोड़ दिया है। तो अब हमको लग रहा है कि कल तक तो कल मार्केट इसको प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। मेरा टारगेट बहुत लंबा है, मैंने 490 तक का सोचा है। मार्केट हम आते आते बंद हो गया तो कोई बात नहीं, एक लॉट ट्रेडिंग का यही फ़ायदा है। वन लॉट ट्रेडिंग में आप परेशान ज़्यादा नहीं होते, आराम से ट्रेड कर पाते हो, जिससे आपको मतलब टेंशन जब नहीं रहता, दिमाग अच्छा काम करता है, आपका बिहेवियर एनालिसिस अच्छा काम करता है। आप बिगनर लोगों के लिए हमने ये सेटअप बनाया है, वन लॉट ट्रेडिंग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट करना सीखोगे तो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे।